तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, यह हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है जो फतेहगढ़ साहिब में है, सरहंद में पड़ता है, जो अपना गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप का साइड में ही है। लेकिन देखिए, बाढ़ का पानी आने के कारण काफ़ी चारों तरफ पानी भर गया है। क्या चीज है ये, एकदम जलाशय भर गया है। जो ये रोड चंडीगढ़ जाती है, लेकिन फिर भी रोड पूरे जम हो गया है। इधर अपना मोरिंडा तरफ भी पानी है। बाढ़ की स्थिति वाला हालात है दोस्तों, तो काफ़ी ही मशक्क़त के साथ यहाँ पे अभी निकला जा रहा है यहाँ कॉलेज से। तो देखिए, अपना गुरुबंद ये अपना गेट का ऑफिस था, लेकिन ये यहाँ भी डूब चुका है पानी से चारों तरफ। ये देखिए, यहाँ पे एक मगरमच्छ भी देखने को मिला है। पता नहीं कहाँ से किसी आए होंगे, किसी उद्यान से भाग के पार्क से। ये मगरमच्छ खतरनाक इस तरह से पानी से बाहर अभी तक नहीं निकले। तो अच्छा है, बाढ़ का पानी है, जानवर मगरमच्छ ये सब तालाब से आ गए हैं। तो अपना सावधानी बरती है। ये अपना सरहंद का मतलब मीन्स जहाँ पे अपना मोड़ लेते हैं कॉलेज के लिए और अपना गुरुद्वारा साहिब के लिए, ये वही जगह है। देखिए चारों तरफ बड़ा सा, ये अपना फतेहगढ़ साहिब का है, ये फतेहगढ़ साहिब का, ये बाबा बंदा सिंह का मूर्ति है लगा हुआ चौराहे पे, ये भी डूब चुका है। ये देखिए अपना कॉलेज का है, जिस तरह कॉलेज, ये बाबा विनोद सिंह का हॉस्टल है। चारों तरफ पानी है, हॉस्टल में घुस चुका है पानी और काफ़ी ही डरावना स्थिति बन चुका है, क्योंकि मगरमच्छ भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो मैं सोचा कि आप लोगों को कॉलेज का स्थिति दिखा दूं। अभी बाढ़ का समय है और उत्तराखंड में भी बाढ़ आया हुआ है, तो पंजाब अपना साइड में ही है, जिस कारण से काफ़ी भयानक बाढ़ आया हुआ है। ये हमारा हॉस्टल है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे गार्ड रहते थे, ये भी डूब चुका है। तो ये अपना तो दोस्तों, ये है अपना कॉलेज का ऊपर से चमचमाता व्यू जो अभी आप देख रहे हैं। अभी देखिए किस तरह से पानी से डूब चुका है पूरे, अभी आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ये अपना है ऊपर से चमचमाता व्यू जो इस तरह से डूब चुका है हमारे कॉलेज। ये देखिए, बस भी डूब चुके हैं, जो ये गुरुवर ग्रंथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का है, ये बस की डूबने की स्थिति आ गई है दोस्तों। इस तरह की स्थिति आ गई है, चारों तरफ पानी ही पानी है। हमारे फैकल्टी टीचर के जो अपार्टमेंट थे वो भी डूब चुके हैं। देखिए, आपको वो भी दिखाते हैं और किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक लखबीर सिंह और यहाँ पर आदमी को निकालने में मदद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और विधायक लखबीर सिंह आए हुए हैं। ये फैकल्टी अपार्टमेंट में फंसे टीचर को और वहाँ के बच्चों को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रैक्टर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को, बूढ़ों को कंधे में उठा कर पार करा रहे हैं। पानी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है दोस्तों, जस्ट छत कंधे पर पानी आ चुका है और पानी की रफ्तार बढ़ती जा रही है। तो अब खाली करना ही जिम्मेदारी समझा गया, इसलिए यहाँ से निकालने का काम जोरों से चल रहा है। आदमी को, टीचर्स को और जो हमारी बूढ़ी माताएं हैं उसको निकाला जा रहा है। देखिए आगे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, स्थिति काफ़ी भयावह है, इसलिए नहीं बता सकते हैं। देखते हैं किस तरह कंधे पर उठा के लाया जा रहा है। ये बच्चे हैं, जो पानी में बहने की डरती है, पानी में धार भी है जो काफ़ी फैलता हुआ, चारों तरफ से डूब चुका है हमारा शहीदा की धरती फतेहगढ़ साहिब। चारों तरफ पानी में पानी है। ये अपार्टमेंट है, ये समय पर खाली कर देना उचित है, इसलिए यहाँ पर लगे हुए हैं। ट्रैक्टर से खाली कर रहे हैं, एक ट्रैक्टर जा रहे हैं, एक ट्रैक्टर आ रहे हैं। और देखिए आगे की सरकार।